भोपाल में शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक हुई, जिसकी जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। औद्योगिक और रोजगार क्रांति की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया। कोविड 19 से प्रभावित उद्योगों को उभारने के लिए कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। ग्लोबल स्किल पार्क के निर्माण के लिए 319 पदों की स्वीकृति भी दी गई। बैठक में खाद की किल्लत को लेकर भी चर्चा की गई। तो वहीं ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी न्यास का गठन करने का भी फैसला लिया गया। साथ ही संस्थान को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित करने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी है। एक अन्य निर्णय में एशियन बैंक की सहायता से राज्य के राजमार्गों के उन्नयन के लिए भी आज प्रशासकीय स्वीकृति में संशोधन बाबत प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा लाया गया, जिसको आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। इसमें हमारी सड़क की जो चौड़ाई 5.5 मीटर थी, उसके स्थान पर अब 2 लेन 7 मीटर की चौड़ाई के प्रस्ताव अब लाए जाएंगे। ऐसी अनेक सड़कें हैं, 41 अन्य सड़क परियोजनाओं को एडीबी से पृथक कर अन्य योजनाओं की भी स्वीकृति आज दी गई है। हमारे 13 अनुबंधों पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, 19 कार्य पर निविदा हमारे निविदा स्तर पर है। मुख्यमंत्री जी ने खाद से संबंधित भी समीक्षा की और उन्होंने आश्वस्त किया है कि 2-3 दिन के अंदर रैक वहां से रवाना हो गई है। 2-3 दिन के अंदर खाद की पर्याप्त पूर्ति इस प्रदेश के अंदर हो जाएगी। किसान को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी तरह से किसान के साथ। आधुनिक उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कौशल विकास रणनीति को दृष्टिगत रखते हुए अत्यधिक कुशल जनशक्ति के पूल बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एडीबी के ऋण सहायक मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना के हेतु 319 पदों के निर्माण एवं 5 वर्ष के संचालन के लिए 125 करोड़ की ब्लॉक ग्रांट की वित्तीय प्रावधान प्रदान करने की अनुमति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। आज मंत्रिपरिषद ने संस्कृति विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक न्यास के गठन को मंजूरी दी है। ये न्यास ग्वालियर में गठन किया जाएगा और इस न्यायालय में हमारे युवाओं को, नौनिहालों को राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्र के विकास के प्रति संवेदनशीलता, जागरूकता प्रसार प्रसार करने हेतु आवश्यक प्रयास। अधिक जानकारी के लिए ब्रजेश जैन सहयोगी सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, कैबिनेट की ये पूरी बैठक हुई, क्या कुछ खास रहा इसमें? बिल्कुल, देखिए कई अहम फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला यही लिया गया है कि जो उद्योग कोरोना काल में डाउन हो गए थे, यानी कि जिनकी अर्थव्यवस्था कहा जा रहा था कि काफी मंद पड़ गई थी, और उन कोरोना काल से उद्योग धंधों की खस्ता हालत को ठीक करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने काफी अहम फैसला लिया है, जिसके तहत आर्थिक राहत उद्योगों को दी जाएगी। इसके लिए रूपरेखा पूरी बनाई जाएगी। फिलहाल प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और उद्योग विभाग को ये कहा गया है कि पूरी रूपरेखा विस्तार से बनाए कि उद्योगों को किस किस सेक्टर में कितना छूट, कितना लाभ, कितना टैक्सेस में जो छूट है वो दी जा सकती है। इसके अलावा कैबिनेट ने लाडली लक्ष्मी पार्ट 2 की शुरुआत करने पर भी मंजूरी दी है। अब प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना पार्ट 2 की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत जो 12वीं पास करने वाली बच्चियां हैं उनका कॉलेज में दाखिला होता है, उनको 20,000 रुपए की मदद जो है मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। इसके अलावा बात करें तो स्किल डेवलपमेंट पार्क के लिए 319 वैकेंसीज को मंजूरी दी गई है, 319 पद मंजूर किए गए हैं। और ग्वालियर में अटल बिहारी स्मृति न्यास को मंजूरी दी गई है और सरकार ने यह भी डिसाइड किया है कि इस न्यास को जो है पर्यटक की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया स्तर का बनाया जाएगा, जिससे कि न सिर्फ युवा बल्कि पर्यटक भी यहां पर ग्वालियर में आके और न्यास में के दर्शन कर सके और यहां पर पर्यटन का लुफ्त ले सके। तो ये तमाम जो बड़ी मुद्दे थे वो कैबिनेट में प्रस्ताव रखे गए थे और इन तमाम मुद्दों को सरकार ने आज मंजूरी दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका तमाम जानकारी के लिए।